हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों से बात करने जा रही हूँ एक बुक के बारे में बताने वाली हूँ। और ये और बताना चाहती हूँ कि गाइस, जॉब लगने के बाद बैंक में ऑलरेडी मैं स्केल वन ऑफिसर हूँ, उसके बाद मुझे इस बुक को ऑर्डर करने की क्यों नीड हो गई, क्यों मुझे इसको देखने की और इसको पढ़ने की उत्सुकता हुई। जितना मुझे इसको जानने की जरूरत थी, उतना ही मुझे लगता है कि इसको आपको भी जानने की उत्सुकता हो रही होगी कि मैम को सही बात है कि अब क्यों नीड हो गई। इतनी सारी बुक्स मैंने ऑलरेडी पढ़ी गई इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, बहुत सारे एग्जाम्स क्रैक भी किए, उसके बाद भी मैंने आज ये बुक ऑर्डर की है। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, इसके भी अनबॉक्सिंग भी करेंगे और मैं बताऊंगी भी कि कौन सी बुक है। तो क्यों मैंने ये ऑर्डर की है और क्यों आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, ज़रूर से ध्यान दीजिएगा। तो गाइज, चलिए मैं आपको बुक दिखाते दिखाते ही कुछ बातें समझाऊंगी जिससे आप लोग उससे रिलेट कर पाएंगे कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है। तो चलिए बुक के साइड देख लेते हैं एक बारी। तो यस गाइस, ये है आपकी बुक और इसको मैं आपके सामने अनबॉक्स कर रही हूँ। वैसे मैं इसको पढ़ चुकी हूँ, इसलिए ये जस्ट इसका कवर रखा था, इसलिए मैंने आप लोगों के सामने सोचा कि खोलेंगे। गाइस, ये मैंने अमेजन से मंगाई है और इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर इसको देखने के बाद से आपको ऐसा लगता है कि परचेज करना चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आराम से ले लीजिएगा। अराउंड आपको 300 के करीब पड़ जाएगी, 300 तक का इसका रेट है लगभग। गाइस, ऑलिव बोर्ड की है। अब बात कर लेते हैं कि यार, पतली बुक से जब काम हो जा रहा है तो क्या मुझे इतनी मोटी बुक पढ़ने की नीड है? तो गाइस, जब इसका आप कंटेंट देखेंगे तब हम इस पे बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि किस किस एग्जाम्स को आपके ये कवर कर रहा है और क्यों इस समय आपको ये जरूरी है। तो गाइस, आपका SBI PO हो गया, IBPS हो गया, IBPS PO, RBI ग्रेड बी हो गया, IBPS क्लर्क, SEBI एंड अदर्स जितने भी आपके बैंक के एग्जाम्स आते हैं, इंश्योरेंस के एग्जाम्स आते हैं, उसमें ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है। और 2022 ईयर तो वैसे भी आप लोगों के लिए इतना अच्छा रहा है कि आपको स्टार्टिंग से ही आप वैकेंसीज देखने के लिए मिल गई है। इवन आपको वेट भी नहीं करना पड़ा पूरे साल, RBI ग्रेड भी देखने मिल गया, SEBI की, SIDBI की, NABARD की, मतलब जो आपकी एपेक्स बॉडी हैं उनकी आपको वैकेंसीज देखने के लिए मिल रही हैं। तो आपको ये अपॉर्चुनिटी वैसे भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो मुझे क्यों मंगाने की जरूरत पड़ गई? गाइस, मैं आप लोगों को भी पता होगा कि ऑलिव बोर्ड अपने साइड से बोल्ट करके एक मैगजीन देता था, ठीक है? उसका तो मैं डाउनलोड करके उसका PDF निकाल के पढ़ती थी और वही चीज़ आपको इसमें समराइज वर्जन एक पूरी बुक में करके दिया हुआ है। और कंटेंट की बात कर लेते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट पे हम आ गए हैं। गाइस, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको लिखा गया है, बनाया गया है। क्यों? आप देखिए, सेक्शन वाइज इसको डिवाइड किया गया है। ज़रूरी क्यों है आपके लिए पढ़ना? बिकॉज आप लोग भी जानते हैं कि रीजनिंग क्वांट बहुत हेल्प करेगा आपकी, ज़रूर करेगा, बट एग्ज़ाम क्रैक कराने के लिए। एग्ज़ाम मींस प्री और आपका मेंस। लेकिन अगर क्या आपको इंटरव्यू क्रैक करना है तो आपको कहीं ना कहीं जनरल अवेयरनेस पे बहुत ज़्यादा पकड़ होनी चाहिए, कमांड होनी चाहिए। नो डाउट आपका करंट अफेयर्स ही अभी भी ज़्यादा आएगा, जो वेटेज रहेगा वो करंट अफेयर्स का ही रहेगा। लेकिन अगर आप मेंस में मार्क्स कहीं ना कहीं कम रह जाते हैं और इंटरव्यू में मार्क्स अच्छे ले आते हो, ये सब नॉलेज रख के, क्योंकि वहां इंटरव्यूअर भी आपसे चाहता है कि आपको बैंक की, इकोनॉमी की, फाइनेंस की, बैंकिंग की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए है, तो भाई आपके लिए ये मस्ट है। और मैं सबसे बोलना चाहूंगी, इवन बिगनर्स से, उनका तो और मैं बोलना चाहूंगी, आपके पास अभी से टाइम है, अभी से पढ़ो, वरना 1.5 साल बाद, 1 साल बाद आप लोगों के दिमाग में ये होता है कि यार ये हम पढ़ चुके हैं और आधा अधूरा ज्ञान, लेकिन आप एग्जाम फाइट कर पाते हो अच्छे से और इंटरव्यू तक जाते जाते आप लोगों के दिमाग में ये हो जाता है यार क्या पढ़ें क्या छोड़ें, ठीक है? तो गाइस, बात कर लेते हैं अभी टेबल ऑफ कंटेंट की। तो इकोनॉमी को भी देखिए, 5-6 पार्ट्स में इसको बांटा गया है, जिसमें आपका GDP, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह जितने भी चीज़ें हैं वो सब इसमें कवर की हैं। यूनियन बजट हो गया, GST हो गया, देन फाइनेंस को आपका इसमें अलग पार्ट्स में बांटा गया है, जिसमें आपके अब्रीविएशंस वगैरह सब कुछ कवर किया हुआ है। आपके लिए ये क्यों मैं रिकमेंड कर रही हूँ? क्योंकि जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं बैंक की, उन्हें बैंक की नॉलेज होना चाहिए गाइस, इसकी बैंकिंग है क्या। जैसे बैंकिंग की बात कर लें, आपका NPA, सरफेसी एक्ट हो गया, टाइप ऑफ बैंक अकाउंट्स इन इंडिया, ये सब आपको पता होना चाहिए। इससे इंटरव्यूअर पर भी बहुत अच्छा आपका इंप्रेशन जाता है और कहीं ना कहीं आपके मार्क्स बाकी कैंडिडेट्स से अच्छे आ जाएंगे गाइस। तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये। आपका जनरल स्टैटिक्स पार्ट हो गया, तो एक तरीके से है ये बोल्ट का ही वर्जन, लेकिन अलग अलग टुकड़ों में पढ़ने से अच्छा है कि अगर आप ये बुक प्रेफर करेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। इवन आप लोग खुद मुझसे बोलते भी हो कि मैम जनरल अवेयरनेस के लिए कौन सी कोई बुक है तो बता दीजिए। तो गाइज, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, इवन मैं पढ़ भी रही हूँ इसको, बिकॉज आप लोग भी जानते हैं RBI ग्रेड बी का एग्जाम सामने है आपके, तो काफ़ी अच्छे तरीके से दिया हुआ है इसमें, आप लोग देख सकते हैं।
आपको क्विजेस वगैरह भी दिए हुए हैं, ये देखिए, कराने के बाद से प्रैक्टिस योरसेल्फ करके और उसके आंसर्स दिए हुए हैं, तो बढ़िया से कर सकते हो। अगर इस बुक के बारे में और जानना चाहते हो और आपको थोड़ा सा भी लगता है कि यार ये आपकी हेल्प कर सकता है, तो कमेंट करके मुझसे ज़रूर से पूछ लीजिएगा। परचेस करने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जिससे आप लोग को ढूंढना ना पड़े या फिर आप कोई गलत बुक परचेस ना कर लें। तो चलिए गाइस, अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो एक लाइक बटन ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियोज़ नोटिफिकेशन आप लोगों के पास टाइम से पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।